गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हूँ, 9:25 से कैब वहाँ खड़ा है नीचे, 10:25 तक क्या कह रही हूँ मैं चेक इन कर लेना है और अभी बज रहे 9:45 और मैं बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, बट इट्स ओके, देख लूँगी। तो बैग पैक हो गया है, सब कुछ पैक हो गया है, तो बेसिकली की जगह मैं बोल रही हूँ, सब कुछ पैक हो गया है फिजिकली। अच्छा, मेंटली नहीं हुआ है। ओए हाँ, नहीं हुआ यार। और हाँ, सब कुछ पैक हो गया, मैं लास्ट बार चेक कर रही हूँ कहीं कुछ मैं इम्पोर्टेंट ना छोड़ दूँ। चार्जर ले लिया एंड बहुत ख़राब लग रहा है यार, पूरा घर खाली देख के, बट चेंजेस आर मेड टू बी सक्सेसफुल। ये मेरा नया नया लाइन निकला कुछ भी, तो हाँ सब कुछ हो गया। बाथरूम में देख लेती हूँ, कुछ छोड़ तो नहीं रही हूँ, मेरा कोई सामान नहीं, सब कुछ ले लिया, माय बाथरूम बंद कर दिया एंड एक बार किचन। अरे काला नमक का डब्बा, काला नमक छूट गया था मेरा। दो लहसुन है, रस्क बिस्किट है, अब रस्क को छोड़ो, काला नमक पैक कर लेती हूँ, रुक जाओ जल्दी से, काला नमक रख लेंगे। और मैंने फिर से यही टॉप पहन लिया जो मैं पहन के गई थी ना उस दिन पार्क में, रुको। तो ये मेरा कॉफ सिल का वो है, हाँ कॉफ सिल ही है ना, हाँ कॉफ सिल है। चलो सब कुछ हो गया। अब ये एक चॉकलेट था डेरी मिल्क का, मैंने कितने पहले ख़रीदा था, मैंने आपको शायद दिखाया अभी था, अब वो उस तरह का टेस्ट नहीं करता है तो मैंने नहीं खाया। तो मेरे पास खाली एक ही ताला है, तो मैं सोचूँ ये बड़े वाले बैग में ही ताला मार देती हूँ। नीचे कैब वाले सर खड़े यार, मुझे इतना ख़राब लगता है ना, लगता है कि उन लोगों से वेट करवा रही हूँ, पर क्या करूँ। एक ही ताला था, बड़े वाले में मार दिया। और हाँ सब कुछ हो गया मेरे छोटे बैग में, छोटा बैग, बड़ा बैग, ये बैग, वो बैग, चॉकलेट्स रख लेती हूँ, चॉकलेट खाऊंगी तो नहीं, बट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए रख ले रही हूँ कि वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। लेट्स सी क्या होता है, चलो चलो जल्दी से नीचे जाते हैं और मैं आपको मिलती हूँ रास्ते में, हो पाएगा तो वीडियो बनाऊंगी, वरना फिर वॉइस ओवर कर दूंगी वीडियो बना के। वैसे तो अभी इतना सारा सामान है मेरे, फट रही है, कैसे मैं लेके जाऊंगी, बट लेट्स सी, भगवान जी साथ में है तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ पैक हो गया, हे भगवान जी ने ही जगह में सब कुछ बहुत अच्छा हो और मेरे लाइफ को सक्सेस की ओर लेके जाना और मेरे को आशीर्वाद देना कि मैं सक्सेस की ओर काम करूँ और सब कुछ अच्छा करूं। तो मैंने उस दिन यहाँ पे छिपकली देखा था, बट फिर भी मुझे आप लोगों को दिखाना है एक बार बाहर का नज़ारा। ये देखो भाई, बाय बैग्स, देख लो भाई साहब, मैं निकल रही हूँ, देख लो टाइम कितना हो गया है, निकल रही हूँ। भाई साहब, मेरे 6 ट्रॉली और एक बैग, दो सबसे बड़े लार्ज वाले ट्रॉली, दो मीडियम, दो स्मॉल वाले ट्रॉली लिए हुए थे मैंने। एंड जो कैब वाले भैया थे, वो लिटरली भैया थे, अंकल नहीं थे, तो वो मेरे ट्रॉली इतने सारे देख के ना, उनका अलग ही रिएक्शन आया, जिसे देख के मेरा खुद का भी रिएक्शन निकल रहा था, ये भैया कैसे उठाएंगे ये खुद, मतलब इतने पतले से भैया थे। तो मैंने उनका हेल्प किया और गार्ड अंकल ने भी हेल्प किया, उसके बाद हमने गाड़ी पे रखा, गाड़ी पे रख के उसके बाद मैंने फिर जब भी एयरपोर्ट हम पहुंचने वाले थे, तब मैंने हेल्पर सर के लिए कॉल किया, ग्राउंड स्टाफ को, कि सर प्लीज़ अरेंज कर दो, सर प्लीज़ अरेंज कर दो। तो उनने भेज दिया कि येस मैम, हेल्पर्स अवेलेबल तो हैं लेकिन एक ही है, तो एक ही भेज सकते हैं। मैंने कहा सर भेज ही दो एक ही। और यहाँ से टेक ऑफ का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, इतना नीचे इतना अच्छा दिखता है ना, नीचे मुनार भी है और सब कुछ कैप्चर करने का कोशिश किया। और फिर मैंने क्रू से रिक्वेस्ट करके एक मैगी मांगी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो मैगी खाया। उसके बाद हम पहुँच रहे थे बॉम्बे में और मेरी क्रू को देखो, ये खेल रही है। और आज के दिन ना कदम कदम में एकदम टेंशन के साथ ही रख रही थी, बिकॉज कोची में तो मिल गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बॉम्बे में मिलेगा या नहीं। बॉम्बे में भी मिल गया जाके, बॉम्बे में जैसे हम गए तो वहाँ पे बैगेज बेल्ट के पास में सर थे, ग्राउंड स्टाफ थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किया हमने, और मैम भी थी, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उनने अरेंज करवा दिया, दो दो हेल्पर्स थे, बट उसमें से एक ही फ्री थे, एक थे व्हीलचेयर के लिए, तो उन सर से सर प्लीज़ कर दीजिए, सर प्लीज़ कर दीजिए, और हमने भी हेल्प किया साथ साथ, तो वो
लेके हम पहुंच गए बॉम्बे में भी, तो हमारा सब नया पार लग ही गया। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी चेक इन किया हमने, हम पहुंच गए कोलकाता में, और कोलकाता में लैंडिंग हो रहा था, मैंने रिकॉर्ड करा सब कुछ, और मेरे दिल में ऐसा हो रहा था भगवान जी सब कुछ सही कीजिएगा, उसी होप के साथ मैं स्माइल भी कर रही हूँ, मैं खुद को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। और यहाँ पर आके कैब का वही झमेला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया सर से, सर कैब दे दो जल्दी, दे दो जल्दी, दे दो। और भाई साहब वहाँ घर पहुँच के देखती हूँ इतना गंदा घर उस औरत ने दे रखा था, मेरा वीडियो में देख के लगे कितना साफ सुंदर घर था, पर एक एक जगह में इतना गंदगी था, तो मैंने बोला यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊंगी। दूसरे दिन ही हम निकल गए घर ढूंढने, और नेक्स्ट